अब गाइस देखो YouTube में आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे गाइस सभी बोल रहे हैं आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल के कैसे CS रैंक में रैंक पुश कर सकते हो। और गाइस देखो मैंने भी इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। और गाइस देखो मैं आप लोग एक चीज क्लियर कर देता हूँ, फ्री फायर खेलते हुए मुझे लगभग 5 साल हो चुका है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें गाइस देखो इस वीडियो में मैं आप लोग ऐसे बियर मिनिमम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और सिर्फ गाइस आप लोग ये छोटा मोटा ट्रिक भी अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो गाइस अलग से आप लोग कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि मैं रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश कर रहा हूं मेरा माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो गाइस आप लोग हर एक मैच ही जीतोगे। और गाइस देखो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूं बहुत टाइम हो गया मैं फ्री फायर खेल रहा हूं, मैं अपने स्क्वाड के साथ भी रैंक पुश करता हूं, जब गाइस मैं वीडियो बनाता हूं तब मैं रैंडम प्लेयर के साथ भी खेलता हूं, तो ओवरऑल मेरा सब कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर दूंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो गाइस आप लोग डेफिनेटली फॉलो करो और आप लोग हर एक मैच ही जीतोगे। तो गाइस आप लोग प्लीज एक काम कर देना, फटाफट के इस वीडियो को लाइक कर देना। आज के इस वीडियो का जो लाइक रखता है वह 5000 लाइक के सभी बंदे कर सकते हो, इजीली एक दिन के अंदर ही कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो हो सके तो प्लीज लाइक कर देना। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो, मेरा आवाज पहली बार सुन रहे हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो ना, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। और गाइस देखो एक चीज, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर आप लोग मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं जा रहा है ना, तो गाइस आप लोग प्लीज एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। ये छोटा स्टेप गाइस अगर आप लोग करोगे तो मेरा हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन या फिर रिकमेंडेशन आप लोगों के पास आएगा। तो गाइस चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखो रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो गाइस रैंडम प्लेयर के लिए अलग से कैटा कॉम्बिनेशन जो गाइस मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये गाइस आप लोगों को यूज करना है। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को एक्टिव स्किल में ओडियन का यूज करना है, ओडियन का यूज तो भाई सभी को पता है, ओडियन का आप लोगों को यूज करना है। उसके साथ गाइस आप लोगों को मिगुएल लेना है, मिगुएल मस्ट है, मिगुएल गाइस अगर आप लोगे तो गाइस आप लोग ओडियन को वुकोंग जैसा यूज कर पाओगे। उसके साथ गाइस आप लोगों को लेना है सोनिया और लास्ट में गाइस आप लोगों को लूना लेना है। ये कैटा कॉम्बिनेशन आप लोगों को ओवरऑल लेना है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कैटा कॉम्बिनेशन है। ओडियन का हेल्थ से गाइस आप लोग मतलब 1v4 क्लच भी निकाल सकते हो, ऊपर से मतलब आपके पास मिगुएल भी होगा तो गाइस आप लोग वुकोंग जैसा भी यूज कर पाओगे, एक बंदे को मारोगे फिर से ओडियन बन जाओगे, फिर से एक बंदे को मारोगे फिर से ओडियन बन जाओगे, तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है। ऊपर से सोनिया भी आपके पास है तो गाइस कोई भी बंदा अगर आप लोग को नॉक करेगा तो गाइस आप लोग फिर से एक चांस मिलेगा, 3 सेकंड के अंदर गाइस आप लोग उसको फिनिश कर देना और आप लोग फिर से रिवाइव हो सकते हो। और लूना का हेल्थ से गाइस आप लोग का जो गन का रेट ऑफ फायर है वो गाइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला ये कैटा कॉम्बिनेशन स्पेशली रैंडम प्लेयर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा वर्क करता है, तो गाइस आप लोग डेफिनेटली यूज करना। सो कैटा कॉम्बिनेशन तो मैंने बोल दिया, अभी गाइस देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं ज्यादातर क्या यूज करता हूं जिसकी वजह से गाइस देखो मैं फर्स्ट राउंड जीतता ही जीतता हूं। और फर्स्ट राउंड गाइस बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है आप सभी को पता है, तो फर्स्ट राउंड जीतने के लिए मैं स्पेशली क्या करता हूं, मैं गाइस WSP लेता हूं या फिर GAT लेता हूं जो भी अवेलेबल होता है। M500 के पीछे गाइस मैं कभी नहीं जाता। देखो गाइस क्या होता है ना, M500 से तो मैं शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों में ही हेडशॉट मार देता हूं, बट फिर भी एक दिक्कत होता है, अगर मेरा हेडशॉट नहीं लगा शॉर्ट रेंज में तो सामने वाला बंदा मेरे को स्पैम करके मार देगा, तो उससे अच्छा गाइस आप लोग GAT WSP ले लो, पूरा स्पैम करके खेलो, जब भी कोई बंदा शॉर्ट रेंज में आएगा पूरा भड़बड़ के स्पैम कर दो। अगर गाइस आप लोग हेड में मारोगे तो 110 का हेड लगेगा, 2 शॉट मारोगे बंदा नॉक हो जाएगा, बॉडी पे भी गाइस 20-25 का डैमेज आएगा, तो गाइस आप लोग स्पैम कर इजीली मार सकते हो। और रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो 1 टैप के पीछे कभी मत जाना, ऑलवेज स्पैम करना, तो G18 या फिर WSP लेके आप लोग फर्स्ट राउंड इजीली निकाल सकते हो। और ऊपर से गाइस अगर आप लोगों को मौका मिले तो ड्रॉप भी लूट लो, ड्रॉप में गाइस आप लोग ग्रेनेड मिल सकता है या फिर साइज मिल सकता है, तो उसका हेल्प से भी गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज में मार सकते हो इजीली एनिमी को। इसके बाद गाइस देखो थर्ड नंबर ट्रिक है जो कि गाइस आप लोग को ऑल टाइम फॉलो करना है, वो है गाइस देखो जब भी मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेलता हूँ ना, एक चीज गाइस मैं नहीं करता हूँ वो है गाइस देखो मैं शॉर्ट रेंज फाइट एकदम ना के बराबर लेता हूँ, मतलब मैं शॉर्ट रेंज में घुसता ही नहीं हूँ एनिमी के, क्योंकि गाइस देखो क्या होता है ना, शॉर्ट रेंज में घुस के अगर मैं एक दो बंदे को नॉक भी कर दूंगा तो अगर एनिमी मेरे को फिनिश कर दिया, नॉक करके फिनिश कर दिया, तो मेरा जो रैंडम प्लेयर है वो तो भाई अलग अलग डायरेक्शन में होगा, कोई बंदा इधर होगा कोई बंदा उधर होगा, तो गाइस क्या होगा, मैं जो जिस बंदे को नॉक किया था उसको गाइस मतलब जो एनिमी है वो पूरा टीम मिलकर उनको रिवाइव दे देगा, तो अल्टीमेटली मेरा ही लॉस होगा। तो गाइस कभी भी आप लोगों को शॉर्ट रेंज फाइट अवॉइड ही करना है, अगर कोई बंदा आपके ऊपर रश कर दिया तब गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट ले सकते हो, बट गाइस आप लोगों को कभी भी रश नहीं करना है, एनिमी को रश करने देना और ज्यादातर गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट ही लेना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा लॉन्ग रेंज फाइट लो, और लॉन्ग रेंज में गाइस अगर आप लोग 1 टैप देने के मास्टर हो, अगर आप लोग वुड पेकर ये सब लिखते हो, तब गाइस आप लोग को लूना कैरेक्टर की जगह आप लोग को रैफेल कैरेक्टर लेना है, इससे गाइस जब भी आप लोग किसी एनिमी को नॉक करोगे तो वो फटाफट फिनिश हो जाएगा, तो आप लोगों को फिनिश करने के लिए अलग से कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। और आप में से बहुत सारे बंदे ये गलती करते हो जैसे कि मैं बैकग्राउंड क्लिप में दिखा रहा हूं, ऐसे गाइस ओपन में लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो, ऐसे गाइस आप लोगों को कभी नहीं करना है, जैसे गाइस देखो आप लोग बैकग्राउंड में देखिए बार हो गाइस देखो मैं नॉक हो गया,
अब नॉक हो गया, मेरा जो टीममेट है वो भी नॉक हो गया गाइस। देखो कोई कवर लेने का ही जगह नहीं है, तो कभी भी गाइस आप लोग ऐसा गलती मत करना, कभी भी ऐसे ओपन में आप लोग फाइट मत लेना, आप लोग ऑलवेज एक कवर पे चले जाना, कवर पे लेके गाइस आप लोग कवर टू कवर फाइट करना, या फिर गाइस एक ग्लूवर लगा के फाइट करना, क्योंकि गाइस देखो बाय चांस अगर आप लोग का हेल्थ कम भी हो जाए तो फटाफट गाइस आप लोग कवर पे आके मेडिकेट मार, या फिर गाइस अगर आप लोग नॉक भी हो जाते हो तो एक चांस बनता है कि आप लोग फटाफट कवर पे आ जाओ और आपका जो टीममेट अगर आसपास हुआ तो गाइस वो आपको रिवाइव दे देगा। तो लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हो तो ओपन में कभी मत लेना, कवर पे रह के लेना, यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। और उसके साथ गाइस देखो लॉन्ग रेंज लेने का जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है गाइस आप लोग सिंपली फ्लैंक करो यार, फ्लैंक बहुत ही ज्यादा ओपी चीज है। आप लोग सिंपली गाइस जोन के एकदम साइड से जाके पूरे एकदम पीछे से फ्लैंक करो, फ्लैंक का मतलब आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बहुत टाइम से गेम खेल रहे हो तो फ्लैंक सिंपली आप लोग करो और पीछे से एनिमी को मारो और एनिमी को पूरा चौंका दो। फोर्थ नंबर जो ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं आप लोगों को बेस्ट गन कॉम्बिनेशन बता देता हूं रैंडम प्लेयर के साथ अगर आप लोग खेल रहे हो तो शॉर्ट रेंज में कभी भी गाइस आप लोग एसएमजी गन का यूज नहीं करना है, एसएमजी गन आप लोग यूज मत करो। सबसे ज्यादा जो बेस्ट वर्क करता है वो है शॉर्ट गन, आप लोग M1014 लो, M1014 को लेवल 3 कर दो, या फिर M1887 लो, M1887 का अच्छा खासा गन स्किन अगर हुआ तो, या फिर M10 का अच्छा खासा गन स्किन हुआ तो वो गाइस आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, बट शॉर्ट गन आप लोगों को लेना है। शॉर्ट गन से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है शॉर्ट रेंज में, 2-3 शॉट कनेक्ट कर दोगे बंदा मर जाएगा, बट एसएमजी में ऐसा नहीं है, अगर आप लोग का हेड नहीं लगा तो सामने वाला बंदा मार देगा, बॉडी बॉडी मारते रहोगे एसएमजी से कुछ नहीं होगा, बट शॉर्ट गन से बॉडी बॉडी में बहुत कुछ होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं शॉर्ट रेंज में आप लोगों को ऑलवेज शॉर्ट गन लेना है। और लॉन्ग रेंज में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग चाहो तो वुड पिकर ले सकते हो, ग्रोजा ले सकते हो, वो गाइस अपने हिसाब से। और एक चीज जो गाइस आप लोग ले सकते हो वो है स्नाइपर, गाइस अगर आप लोगों को स्नाइपर चलाना आता है तो गाइस आप लोग सिंपली स्नाइपर ले लो, स्नाइपर से भी बहुत ही ज्यादा काम आता है, 150 मारोगे, डबल स्नाइपर भी गाइस आप लोग चला सकते हो, एक स्नाइपर ले सकते हो, एक एसएमजी गन ले सकते हो, गाइस स्नाइपर भी चलाओगे ना तब भी बहुत ज्यादा काम आता है रैंडम प्लेयर के साथ। और अगर आप लोग को स्नाइपर चलाना नहीं आता तो गाइस देखो मैं स्नाइपर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा ओपी वीडियो बना चुका हूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दे रहा हूं, आप लोग जाके वो वीडियो फटाफट देख लेना गाइस, बहुत ही ज्यादा ओपी वीडियो है। वो वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग स्नाइपर को एकदम ओपी तरीके से चलाना सीख जाओगे, एकदम डबल स्नाइपर एकदम काफी ज्यादा अच्छा चलेगा, सिंगल स्नाइपर भी आप लोगों का काफी ज्यादा अच्छा चलेगा, वो वीडियो जरूर से गाइस आप लोग देख लेना। इसके बाद गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बता देता हूं जो गाइस मैं पर्सनली फॉलो करता हूं जब भी मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेलता हूं। मैं गाइस कभी भी, मैंने जैसे कि आप लोगों को बोल दिया, मैं कभी भी शॉर्ट रेंज फाइट के लिए नहीं जाता, मैं गाइस जो मेरा जो रैंडम प्लेयर है ना उनको गाइस शॉर्ट रेंज फाइट के लिए भेज देता हूं, खुद पीछे रहता हूं। इससे गाइस क्या होता है, सामने वाला जो एनिमी है वो गाइस रैंडम प्लेयर के ऊपर फायर करता है और मैं पीछे से गाइस मतलब सामने वाले एनिमी को फायर करता हूं, तो मैं पीछे से छुप छुप के मार देता हूं। तो रैंडम प्लेयर को आप लोगों को ऐसा चारा बना के खेलना है, आप लोगों को उनको सामने भेजना है, जब भी गाइस एनिमी उनके ऊपर रश करने के लिए आएगा तो गाइस आप लोग पीछे से AWM ले सकते हो या फिर वुड पिकर ले सकते हो, तो पीछे से गाइस आप लोग एनिमी को मार देना। तो इससे क्या होगा, रैंडम प्लेयर भी एनिमी को मारेंगे, ऊपर से गाइस आप लोग पीछे से मतलब एनिमी को मारोगे और जो एनिमी होगा वो गाइस आपको देख नहीं पाएगा। तो ये स्ट्रेटजी गाइस आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा काम आता है, मैं पर्सनली यही करता हूं, लॉन्ग रेंज में खुद पीछे रहता हूं, जो रैंडम प्लेयर है उनको आगे भेज देता हूं, तो एनिमी जब भी रैंडम प्लेयर के ऊपर फाइट करने के लिए आता है मैं पीछे से भाई एनिमी को ही मार देता हूं, तो इससे मेरा कवर फायर भी अच्छे से हो जाता है और मेरा किल भी अच्छा खासा निकल जाता है। तो ये आप लोग जरूर से यूज करना, सीक्रेट स्ट्रेटजी है यार। सिक्स नंबर जो ट्रिक है वो है गाइस देखो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को देख लेना है कि सामने वाले टीम में से सबसे ज्यादा जो अच्छा बंदा खेल रहा है वो कौन सा खेल रहा है। गाइस आप लोग उसका ड्रेस कॉम्बिनेशन देख लेना है, फिर गाइस आप लोग उसका नेम देख लेना कि उस बंदे का नेम क्या है। और गाइस देखो अगर वो बंदा नॉक हो जाता है ना तो समझ लो कि सामने वाला एनिमी का जो मेन पिलर है वो टूट गया, मतलब सामने वाले एनिमी का जो बॉस है वो मर गया। अभी गाइस आप लोग नॉर्मली शॉर्ट रेंज में भी जाके फाइट कर सकते हो, क्योंकि गाइस देखो अगर आप लोग मेन बंदे को मार दोगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा वो राउंड निकलना। तो मेन प्लेयर को आप लोग मार दो, मेन बॉस को आप लोग मार दो और वो मारने के बाद आप लोग खुद भी रश के लिए जा सकते हो। बट हाँ गाइस आप लोगों को ये पता चलेगा एक दो राउंड जीतने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि सामने वाले टीम में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा अच्छा खेला है, और उसका ड्रेस कॉम्बिनेशन पहले आप लोग देख लेना, फिर नेम देख लेना, फिर उस बंदे को उड़ाने के बाद पूरा टीम ही उड़ जाएगा, ये समझ लो। सेवन नंबर जो ट्रिक है वो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लो डाउन में से आप लोगों को ऑलवेज बॉनफायर लेना है, ठीक है। बॉनफायर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा, अगर आप लोगों के पास मेडिकेट ये सब नहीं है तो गाइस आप लोग बॉनफायर भी लगा सकते हो, फटाफट गाइस अगर आप लोगों को HP या फिर EP चाहिए तो बॉनफायर लगा देना, बहुत ही ज्यादा काम आता है। और गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग माइक ऑन करके खेल सकते हो, अगर रैंडम प्लेयर माइक ऑन नहीं करे तब गाइस क्या है, आप लोग माइक ऑन करो, आप लोग माइक ऑन करके अपने जो टीममेट्स है उनको गाइस ऐसे कमांड दे सकते हो कि क्या करना है, मेरे पीछे रहे, या फिर तू भाई 2 नंबर मेरे पीछे रहे, ये गाइस आप लोग खुद बोल सकते हो। अगर रैंडम प्लेयर आप बात सुना तब गाइस आपका ही फायदा है, आपके टीम का ही फायदा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग खुद माइक ऑन करके एज अ लीडर गाइस आप लोग पूरा कमांड करोगे कि क्या क्या करना है। और अगर आप लोगों का वो कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, वो रैंडम प्लेयर के साथ अगर आप लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है ना, तो आप लोग उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फिर आप लोग खुद का ही एक स्क्वाड बना सकते हो। तो ऐसे ही गाइस होता है यार, ऐसे ही गेम चलता है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और वीडियो गाइस अभी तक देख रहे हो तो गाइस देखो मैं आप लोग एक बोनस ट्रिक बता देता हूं, अगर गाइस आप लोग 1v4 सिचुएशन में फंस जाओ ना तो कैसे आप लोगों को वो राउंड निकालना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिंपली गाइस ट्राई करो, हो सके तो हाइट एडवांटेज में चले जाओ,
फाइट एडवांटेज लेके ऊपर से मारो और जिस भी बंदे को आप लोग मारो उसको गाइस फटाफट आप लोग इंस्टेंटली उधर ही फिनिश कर देना है, और एक बंदे को फिनिश करने के बाद आप लोग फटाफट अपना लोकेशन चेंज कर देना, फिर दूसरे जगह पे जाके और एक बंदे को मारना, फिर उसको फिनिश कर देना, फिर और एक जगह पे जाना, ऐसे करके गाइस आप लोग अपना लोकेशन चेंज करते हुए मारना है। एक ही जगह पे रहोगे तो जो एनिमी है वो बोल देगा भाई ये बंदा इस घर के ऊपर है, सब लोग रश करके मार दो। बट अगर आप लोग फटाफट अपना लोकेशन चेंज कर दोगे तो एनिमी को पता नहीं चलेगा कि आप लोग एग्जैक्टली कहां पे हो, फिर एक एक करके आप लोग बंदे को मार सकते हो। और शॉटगन अगर आपके पास हुआ तब तो गाइस आप लोग इजीली मार दोगे। और हाँ, खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस ले खेलना, और ऑल टाइम गाइस आप लोग यही सोचना कि मैं 1v4 खेल रहा हूं, क्योंकि रैंडम प्लेयर के ऊपर भाई भरोसा नहीं होता, कभी कुछ भी कर देते भाई कुछ पता नहीं है। तो आपको खुद के ऊपर ऑलवेज कॉन्फिडेंस ले खेलना, और ये सोचना अगर मैं मर गया तो मेरा राउंड हाथ से गया, ये मैच मैं हार जाऊंगा, तो यही सोच के आप लोग खेलना, इससे आप लोग कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा रहेगा और आप लोग एकदम मोटिवेट भी रहोगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो गाइस आप लोग सिंपली फॉलो करो बस, आप लोग और कुछ नहीं करना है, और ज्यादातर हर एक मैच ही आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीत सकते हो। और हाँ गाइस देखो, और एक चीज, अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो गाइस जाओ फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके मेरे को फॉलो कर लो, 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो यार। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना। और गाइस देखो, अगर आप लोग एक ओपी वाला वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में जानना है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस देखो सीएस चाहेंगे कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो, टाटा बाय बाय, पीस।